बीच जो है पुलिस, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से। जी जी, यहाँ पर देखिए शांति कतपुर की सरकार नेतन्याहू की वजह से दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं और हम शुरू कर चुकी है। देखिए किस तरीके से जो है उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है, लोगों को उठा कर लेकर जाया जा रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में ये सभी अपना समर्थन दे रहे हैं, फिलिस्तीन को निर्दोष बता रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ अत्याचार हो रहा है ये बता रहे हैं, साफ तौर पर इनका कहना है। देखिए, राहत सामग्री से कुछ नहीं होगा, हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना होगा। राहत सामग्री तो जब लोग ही नहीं बचेंगे, राहत सामग्री का क्या होगा। इसराइल ने हमला पहले किया है, नेतन्याहू की सरकार वॉर क्राइम में बहुत समय से लिप्त है और अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है उससे सिर्फ फिलिस्तीन की जनता का शोषण हुआ है। वो पानी खाने के लिए भी निर्भर है इसराइल पे। यहाँ की जनता जो है वो इस फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ है, वहाँ की जनता के संघर्ष के साथ है और वो किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ है। भारत में बैठी जो फासीवादी मोदी सरकार है ये किस तरीके से दिखावा कर रही है। एक तरफ तो ये फिलिस्तीनी जनता के समर्थन का दिखावा करने के लिए वहाँ एड भेज रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो लोग फिलिस्तीन की जनता की मुक्ति की मांग करते हुए सड़कों पर उतर रहे हैं उन्हें डिटेन किया जा रहा है, उन्हें नक्सलाइट देशद्रोही बोला जा रहा है, उन्हें उग्रवादी बोला जा रहा है, उन पे झूठे मुकदमे डाल के उन्हें जेलों में ठूसा जा रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज़। आप मेरे पीछे एक भीड़ देख पा रहे होंगे, ये सभी छात्र संगठन हैं और आप पीछे मेट्रो देख पा रहे होंगे, खान मार्केट मेट्रो के बाहर ये भीड़ एकत्रित है और चलकर जो है इसराइल एम्बेसी के पास जाएगी और मुद्दा वही है, फिलिस्तीन इसराइल का जो युद्ध चल रहा है, खूनी जंग चल रहा है, उसी को लेकर जो है यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और विरोध कर रहे हैं इसराइल का और इसी विरोध में इसराइल एम्बेसी तक जाने का जो है प्लान है। और आपको बता दें कि इन सभी का मांग है कि वहां पर जो है गाज़ा पट्टी पर हमले को रोक देना चाहिए, फिलिस्तीनियों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है, इसी को लेकर यहां पर लोग तमाम स्टूडेंट मौजूद हुए हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ ये कहते हैं, इनसे बात करके देखते हैं क्या कुछ इनका कहना है। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार युद्ध जारी है, लोग तमाम लोग जो है इसराइल के समर्थन में है, कह रहे हैं कि इसराइल कुछ गलत नहीं कर रहा, उसके साथ पहले शुरुआत किया गया, अब जवाब मिल रहा है फिलिस्तीन को। जी, इतने सालों से फिलिस्तीन में जो हमला हो रहा है, जो अटैक हो रहा है, जो ऑक्यूपेशन हो रहा है, उसी के खिलाफ हमारा ये प्रोटेस्ट है और जो बाकी सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया जो हमारा स्टैंड लिया गया है इसराइल को सपोर्ट करने का, वी आर अगेंस्ट दैट, वी आर स्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी। वहाँ पे जो 40,000 लोग और अनगिनत लोग जो इतने सालों से मरते जा रहे हैं, जिनके जो ऑक्यूपेशन के चक्कर में जो अपना फ्रीडम खोते जा रहे हैं, वी स्टैंड विद देम एंड वी विल कंटिन्यू स्टैंडिंग विद देम। प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री भेजी है फिलिस्तीन में जो है, प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी है, क्या कहेंगे? वी अप्रिशिएट दैट, कि बहुत अच्छी बात है कि वहाँ भेजी है, पर अगर वहाँ पे हमने एड भेजा है तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पे लोगों पे ऑक्यूपेशन हो रहा है, वहाँ के लोगों पे अटैक हो रहा है। अगर अटैक इसराइल के लोगों पे हो रहा होता तो वहाँ पे भेजा जाता एड, तो हमारा सपोर्ट एक तरफ पे कुछ है और एक तरफ पे हम एड कहीं और पे भेज रहे हैं, तो हमें भी डिसाइड कर लेना चाहिए हमारा स्टैंड क्या है इस पे। और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप साफ तौर पर गुस्सा इनमें देख पा रहे होंगे, जो है गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और सभी जो है छात्र संगठन से ये अलग अलग कॉलेज से आए हैं दिल्ली के और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे मैम, मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री ने राहत सामग्री भेजी है फिलिस्तीन में। We are here to protest the terrorist actions of Israel. We are here to protest against Israel's inhumane attacks on Gaza and other Palestinian areas. क्या कहेंगे जिस तरीके से फिलिस्तीन पर अटैक हो रहा है उसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से यूएस इंपीरियलिज्म अपना पैर पसार रहा है उसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से इसराइल फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा है लगातार, और हॉस्पिटल पे अटैक कर रहा है, गाजा के हर एक स्ट्रीट पे अटैक कर रहा है, तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन के ऊपर, तो हम चाहते हैं ये तुरंत के तुरंत बंद हो।
प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन को राहत सामग्री भेजी, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राहत सामग्री से कुछ नहीं होगा, हमें फिलिस्तीन के साथ खड़ा होना होगा। राहत सामग्री तो जब लोग ही नहीं बचेंगे, राहत सामग्री का क्या होगा? तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि लोग ही नहीं बचेंगे तो राहत सामग्री का क्या करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि पहले फिलिस्तीन ने अटैक किया, अब उसको जवाब मिल रहा है। फिलिस्तीन ने पहले अटैक किया, इसको एक गैर ऐतिहासिक बात कहा जा सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से फिलिस्तीनी लोगों को मारे जा रहा है, उनको खदेड़े जा रहा है और उन पर पहले से हमले करता आ रहा है, बॉम्बिंग करता आ रहा है। ये जो अभी एक वाकया है, ये वाकया आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता है, और हमास को जो टेररिस्ट ग्रुप बताने की तरह अलकायदा ISIS जैसा बताने की कोशिश है, उसमें ये नहीं देख रहे हैं जो मजबूर लोग हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं, उनको आतंकवाद की तरह नहीं, उसको बचाव की तरह देखा जाना चाहिए। और इसराइल पहले हमला करता आया है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए इसराइल फिलिस्तीन का पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें इसराइल ने हमला पहले किया है। नेतन्याहू की सरकार वॉर क्राइम में बहुत समय से लिप्त है, और अमेरिका और इसराइल का जो गठजोड़ है, उससे सिर्फ फिलिस्तीन की जनता का शोषण हुआ है, वो पानी खाने के लिए भी निर्भर है इसराइल पे। इस पर यही हम बोलना चाहेंगे कि हम इस हालात के विरुद्ध है, फिलिस्तीन की जनता के शोषण के विरुद्ध है। आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है, आपको प्रधानमंत्री के बातों का समर्थन करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं उनके समर्थन में रहना चाहिए। दोबारा बोलेंगे मुझे? प्रधानमंत्री के बातों का समर्थन करना चाहिए, आप लोग इस तरीके से माहौल खराब कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की बातें जो है उनमें एक दोगलापन है, क्योंकि वो इसराइल का भी समर्थन कर देते हैं अपने बयानों में, और फिलिस्तीन भी एड भिजवा देते हैं। आप ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट नहीं करेंगे, आप उसके साथ साथ एक मॉरल ग्राउंड भी लेंगे कि आप शोषित के साथ है, शोषणकर्ता के साथ है। तो हम यहाँ की जनता जो है वो इस फिलिस्तीन के संघर्ष के साथ है, वहाँ की जनता के संघर्ष के साथ है, और वो किसी भी तरह के शोषण के खिलाफ है। तो आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से जो है लोगों में गुस्सा बना हुआ है, और लगातार नारेबाजी के साथ ये प्रदर्शन आगे को बढ़ रहा है, और इसराइल एम्बेसी तक ये प्रदर्शन जा रहा है। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं किस तरीके का नारेबाजी। तस्वीरें दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं, और इसराइल एम्बेसी के आगे जो है ये प्रदर्शन चल रहा है, और बड़ी संख्या में जो है स्टूडेंट आए हुए हैं, छात्र आए हुए हैं, और अपना जो है फिलिस्तीन के लिए समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस भी बड़ी संख्या में तैनात है, और इन्हें डिटेन करने के लिए जो है
आ चुकी है। हम पूरी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरी सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर फ्री फिलिस्तान की जो है फ्री फिलिस्तान की जो जिस तरीके से नारे लग रहे हैं आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस फोर्स भी तैनात है, तिरंगे झंडा लहराए जा रहे हैं फ्री फ्री फिलिस्तान की, और पुलिस जो है डिटेन करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर चुकी है। देखिए किस तरीके से जो है उन्हें डिटेन करके ले जाया जा रहा है, लोगों को उठाकर लेकर जाया जा रहा है फिलिस्तीन जो है, तमाम लोग जो हैं समर्थन में आए हुए थे उन्हें डिटेन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और तमाम जो है लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में ये सभी अपना समर्थन दे रहे हैं, फिलिस्तीन को निर्दोष बता रहे हैं, फिलिस्तीन के साथ अत्याचार हो रहा है ये बता रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को जो है अपना रुख साफ कर देना चाहिए, बता देना चाहिए कि वो किसके साथ है, इसराइल के साथ है या फिलिस्तीन के साथ है। अगर फिलिस्तीन के साथ है तो इसराइल को गलत बोले, और सिर्फ राहत सामग्री भेजने से काम नहीं चलेगा, और इस तरीके से जो है लगातार लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच जो है पुलिस, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से, जी जी यहाँ पर देखिए शांतिपूर्वक हम लोग इसराइल से ये मांग करने आए थे कि युद्ध को वो रोके और लोगों की जान जाने से बचे, क्योंकि इस कठपुतली सरकार नेतन्याहू की वजह से दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, और हम इस युद्ध की नीति का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोनों तरफ से शांति बनी रहे, दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर में बम फोड़ा गया है, ये बिल्कुल ही एक वॉर क्राइम है। पानी को रोका जा रहा है, दोनों तरफ के जो लोग हैं मारे जा रहे हैं, खासतौर पर फिलिस्तीन की जो जनता है वो पानी की वजह से, खाने की वजह से, मेडिसिन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, और इसराइल उन तक ये सामग्री पहुंचने ही नहीं दे रहा है। ये बहुत तो आपको हमने सीधी तस्वीर दिखा रिया कि किस दिखाया किस तरीके से जो है फिलिस्तीन के समर्थन में यहाँ पर छात्र, तमाम छात्र आए हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए, फिलिस्तीन के साथ बर्बरता की जा रही है और ये बर्बरता तुरंत रोक देनी चाहिए। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी।